ओसीडी है नंबर वन ठग। कैसे? आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस बेहद खास स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओसीडी नंबर वन ठग है। कैसे? एक कहानी से समझ लीजिए। आप किसी अनजाने शहर में जा रहे हैं, आपके गुरुदेव जिनसे आप बहुत प्रेरित हैं, जिनका कहना मानते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप फलां शहर में जा रहे हो, तो वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं उस शहर के बारे में, उस शहर के लोगों के बारे में। आपके गुरुदेव आपको कहते हैं कि उस शहर में बहुत सारे ठग हैं, वो आपसे दोस्ती करेंगे, मित्रता करेंगे या बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब आप समझ जाना कि ये इंसान आपको ठगने की फिराक में है। और आपके गुरुदेव ये भी बताते हैं कि वहां पर लड़कियां भी बहुत चालबाज हैं, वो मोहिनी का रूप धारण करके, मोहिनी अवतार लेकर के ठगी करती हैं। ऐसी लड़कियां आपके पास आएंगी, आपको मोहित करेंगी, आपको ललचाएंगी, आपको इशारे करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगी। तब आप समझ जाना कि ये लड़कियां आपको ठगने की फिराक में हैं। अगर गुरुदेव ये सारी सूचना आपको पहले दे देते हैं और आप उस शहर में चले जाते हैं, कोई इंसान आपसे दोस्ती करता है, बेवजह नजदीक आता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ठग है और आप अवेयर होके वहां से निकल जाएंगे। फिर आपको कोई लड़की मिलती है जो प्यार मोहब्बत वाली बातें करती है, तब भी आप समझ जाएंगे कि ये लड़की अब मोह में फंसाने के चक्कर में है, तो आप बच जाएंगे। लेकिन उस लड़की की बातें आपको अच्छी लगने लग जाए और आप अपने गुरु की बात को इग्नोर कर दें कि गुरु ने जो कहा वो सही है, लेकिन मुझे इस लड़की की बातें अच्छी लग रही हैं, अदाएं पसंद आ रही हैं, और आप उसके साथ ही हो लेते हैं। वो लड़की आपको ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां पर उसके और भी साथी हैं, संगी हैं, वो आपको लूट लेते हैं और आपसे सारा सामान, हीरे जेवरात, पैसा, मोबाइल, सब कुछ छीन करके आपको मार के वहां से भगा देते हैं। फिर आप बाद में सोचते हैं कि काश मैं गुरु की बात को मान लेता तो शायद ठगी से बच जाता। ऐसा ही ओसीडी करती है। करती कैसे है? आपको मैसेज देती है कि यहाँ से जाओगे तो गंदगी लग जाएगी, यहाँ पर कुत्ता है, कोई जानवर है। ओसीडी किसी भी प्रकार का डर, चिंता, घबराहट वाला इमोशन आपके अंदर भेज देती है। आप समझ जाते हैं अपने थेरेपिस्ट की बात, जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, काउंसलिंग में बताता हूँ, कि ओसीडी आपको ललचाएगी, आपके दिमाग में विचार आएंगे, वो विचार कहेंगे धो लो, जोधपुरिया की बातों को छोड़ो, वो तो सबको कहता है, एक बार कर लो, बस आज लास्ट बार कर लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कर लो। जब इस तरह के विचार आने लग गए, आपको ओसीडी ललचाए, आपको प्रेरित करे, आपको मोहित करे, तब आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हो और वो काम करते नहीं हो जो ओसीडी चाहती है, तब तो आप बच जाओगे। अगर फिर भी मेरी बातों को इग्नोर करके आप ओसीडी के मोह पास में बंद करके कंपल्शन कर लेते हो, हाथ धो लेते हो, मन्नत मांग लेते हो या कोई भी रिचुअल कर लेते हो, फिर आप ठगे गए। ओसीडी रोज ठगती है, मन आपका आपको ही रोज ठग रहा है, इस ठगी का शिकार रोज आप हो रहे हैं। लेकिन आप ठगी से बच भी सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी बातों को मानना होगा। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि ओसीडी ऐसा ऐसा आपको भरमाएगा, ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेगा, ऐसे ऐसे मैसेज आपको देगा, लालच भी देगा, और भी बहुत सारे तरले मिनते करेगा और आपको लूटने का भरसक प्रयास करेगा। अगर आप मेरी बात को मद्देनजर रखते हैं, ध्यान में रखते हैं और ओसीडी की बात नहीं मानते हैं, तो आप बच जाएंगे, वरना हाल वही होगा जो उस इंसान का हुआ था। इस इंसान ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी थी और लड़की के साथ चला गया था, वही हाल आपका होगा। आपको बचने के लिए मेरी बातों पर अमल करना है, मेरी बातों को ध्यान में रखना है। इस तरह की और भी हजारों बहुमूल्य बातें जानने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।